क्वेश्चन नंबर 11 इज के फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है इन विच अल्टीट्यूड इज 8। अल्टीट्यूड यानी हाइट 8 सेंटीमीटर, बेस इज 20, ये बेस है 20 सेंटीमीटर, बेस इज 20 सेंटीमीटर। अब आपको फार्मूला आना चाहिए तभी तो सॉल्व होगा। फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी, यानी ये इसके तीन साइड्स हैं। सो 1/2 बेस इनटू हाइट इज द फार्मूला ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल। सो ट्राइंगल का अब 1/2 बेस है 20 × 8, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। सो 2, ये 10 की टेबल लग गई, 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ये हो गए 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 80 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पे ये लिखा हुआ है 11 का ए। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन नंबर है 2। नंबर है 12 में टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डैश सेट्स If they have no common members, दो ऐसे सेट जो कि बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट हों, एक भी कामन ना हो, उसे उन्हें हम कहते हैं कि वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स यानी टू ऐसे सेट्स जिनमें एक भी एलिमेंट कामन नहीं है। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कहते हैं 6। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कहते हैं 6 को, क्योंकि इसके जो फैक्टर होते हैं यानी जो इनकी टेबल लगती है इसमें, वो हम ऐड करते हैं तो 6 ही बनेंगे। सो इसके फैक्टर भी 1 से ज़्यादा हैं और उनको ऐड करते हैं तो ये 6 भी बनते हैं। सो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कहते हैं हम 8 को। 28 की बात करें तो इस पे 1 की टेबल लगती है, 2 की लगती है, 4 की लगती है, 7 की लगती है, 14 की लगती है और 28 की लगती है। इस 6 में 6 की टेबल भी लगती है, वो काउंट नहीं करेंगे। 1 and 2 3 3 and 4 7 7 and 7 14 14 and 14 28। सो के ये सेकंड परफेक्ट नंबर है, फर्स्ट है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन है नंबर हमारे पास अब है 14। इफ द सम ऑफ टू मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 degree, देन दे आर सेट टू बी। अगर दो जो हैं उनकी जो एंगल की सम है वो 90 बनती है तो उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है उनको। अगर 180 होते तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ एन ट्राइंगल इज इक्वल टू, जी जो ट्राइंगल होता है उसके जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 degree। 180 बी बुक, 15 का करेक्ट आंसर है बी। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर यानी जो चारों तरफ से जिसमें जो है चार वर्टेक्स हों, सो इसका होता है 360 degree, क्योंकि इसमें टू ट्राइंगल्स होते हैं। सो 360 degree इज करेक्ट आंसर। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इंटीरियर एंगल्स याद करेंगे। सो टू सेट्स ए एंड बी इफ दे हैव ऑल कॉमन मेंबर्स देन द सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट ओवरलैपिंग सुपरसेट और इक्वल सेट। इक्वल सेट्स कहेंगे दो ऐसे सेट जिनमें जो है सभी कॉमन एलिमेंट हों, यानी ए जो है उसके पास, देखें ए के पास हो 1 2 3 और बी के पास हो 2 3 1, सो इनके पास हैं तो सेम के सेम, सो ये कहते हैं इक्वल सेट्स। दीज आर इक्वल सेट्स, एक भी कॉमन ना हो उन्हें हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। सो ये था आज हमारा पेपर मैथमेटिक्स का। फॉर ऑल काइंड ऑफ जॉब्स प्रिपरेशन, यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट और स्कूल कॉलेजेस, ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। IBA, मेंस एंड पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी जॉब्स आती हैं इन सब के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट एक पेपर था आपके लिए। ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, आ चुके हैं कई बार, सो दैट वन इज़ बेस्ट फॉर एवरी काइंड ऑफ टेस्ट और जॉब्स प्रिपरेशन।
या फिर यूनिवर्सिटी की कोई टेस्ट हो, एडमिशन टेस्ट हो, सो उस लिहाज से भी आपके काम के हैं। कोई स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें भी मैथमेटिक्स है, ये क्वेश्चंस आपके लिए काम के हैं। सो डू नॉट टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल इमरान सर्वर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।